नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अपराजिता का प्लांट है और ये इस तरह से कुछ पाला पड़ने की वजह से ये सूखा नहीं है, इसकी कुछ पत्तियाँ पीली हो गई हैं और इसी पौधे पर मैं आज बात करूँगी। तो बताऊंगी ये पौधा हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी फरवरी का मंथ है तो इस पौधे पर कुछ काम करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ठंड की वजह से ये पौधा पीला हो गया है और इसकी पत्तियाँ सूखी नहीं है, पीली हो गई हैं। तो कुछ इस तरह से मैं पहले इसकी मिट्टी को साफ कर लेती हूँ। जितना भी इसके अंदर कचरा है, कुछ भी है, उसको मैं निकाल देती हूँ, मिट्टी को साफ कर दूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं करूँगी इस पर थोड़ी सी कटाई छटाई। तो कुछ इस तरह से मैंने कैंची ली है और बहुत ज़्यादा मोटी स्टेम नहीं है। देखिए, इस तरह की जो स्टेम सूखी हुई है उनको मैं इस तरह से कट करके निकाल दूंगी फ्रेंड्स, जिससे हमारा पौधा ये देखिए बिल्कुल हरा है। और ये ऐसे ही थोड़ा सा ना पाला पड़ता है तो इसकी पत्तियां सूख जाती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं इस प्लांट को थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग करूंगी, इसकी कटिंग कर दूंगी, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से, और मैं इसकी थोड़ी सी गुड़ाई भी करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कटाई। तो जो भी स्टेम इसकी सूखी हुई हैं उन स्टेम को फ्रेंड्स हम कट करके निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जितनी भी इसकी स्टेम, देखिए इस तरह की जो सूखी स्टेम है, देखिए आप, उनको हम कट करके निकाल देंगे। जब हम कट करके निकालेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत सारी हमारे यहाँ से जो हम कटिंग कर देंगे तो बहुत सारी यहाँ से स्टेम भी निकल जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मैं इसकी जितनी भी सूखी हुई पत्ती है, वो सॉरी स्टेम है, उनको मैं कट करके यहाँ से निकाल दूंगी, जिससे हमारा ये पौधा अच्छे से चल सके। तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग की है और जो स्टेम सूखी हुई है उसको मैंने पूरा पूरा कट कर दिया है, और जो स्टेम थोड़ी थोड़ी पीली है और पत्ते पीले हैं उनको मैंने फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ऊपर से कट किया है। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दी है इसकी कटाई छटाई। तो इस तरह से फ्रेंड्स कटाई छटाई हो गई है। ये देखिए ना, सारा निकला हुआ है, सारा मैंने जितने भी सूखी स्टेम थी निकाल दी। अब मैं करूँगी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई। अभी बारिश हुई है तो मिट्टी है इसकी सूखी हुई, सॉरी गीली हुई मिट्टी है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसकी कर देंगे गुड़ाई। और इसके अंदर मेरे दो कलर के फ्लावर आते हैं इस पर, तो वाइट कलर का हल्का वाइट और ब्लू होता है, और ये वाला जो है इसको मैंने बीज से बोया था, तो ये वाला जो है ये प्रॉपर ब्लू कलर का है। तो इसमें दो कलर के लगे हुए हैं प्लांट। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी है मिट्टी की। गुड़ाई करने से फ्रेंड्स हमारे प्लांट की जड़ों को हवा लग जाएगी और ये प्लांट में जो भी फंगस या कोई कीड़ा होगा तो वो नहीं लगेगा और इसकी मिट्टी सूख जाएगी। तो इस तरह से मैंने कर दी है गुड़ाई। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है ये किचन वेस्ट है थोड़ा सा, और ये इसमें थोड़ा सा मैं मिलाने वाली हूँ। ये हल्दी पाउडर मैंने लिया हाथ पर और इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल दूंगी हल्दी पाउडर को। और ये थोड़ा सा मैंने फ्रेंड्स लिया है, ये देखिए बेसन है, और इसको ये बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ बन जाएगी हमारी जो प्लांट की मिट्टी है वो, और ये किचन वेस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और कोई भी इसमें कीटाणु नहीं होगा और इसमें कोई भी कीड़ा भी नहीं लगेगा, जिसकी वजह से फंगस भी हो जाती है और वो भी नहीं होगा। और मेरी मिट्टी बहुत अच्छी बन गई है, मतलब खाद बहुत अच्छी बन चुकी है। ये किचन वेस्ट खाद है, हमेशा मैं अपने पौधों पर किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने कर ली है गुड़ाई और इसको मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर उधर से डाल दूँगी, साइड साइड से फ्रेंड्स इसको
डालना है, और बहुत ही जो हमारे प्लांट की मिट्टी है और बहुत ही ताकतवर और उपजाऊ बन जाएगी, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये इसमें डाला है। तो इस तरह से अभी फरवरी का मंथ है तो इस पर हम फर्टिलाइजर और खाद बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। अब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए आप खाद और फर्टिलाइजर इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पानी नहीं दूंगी, इसमें मिट्टी गीली है, इसलिए जब ये मिट्टी सूख जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उसके बाद ही फ्रेंड्स मैं इसमें पानी डालूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिए एक मुट्ठी चाय की पत्ती, जो मैंने धो के सुखाई हुई थी, यूज़ की हुई चाय की पत्ती है ये, इसको भी मैंने एक मुट्ठी इस तरह से अपने प्लांट में चारों तरफ से मैं फ्रेंड्स डाल दूंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, अब इस पर फ्लावर आने का टाइम आने वाला है, इसलिए मैंने ये खाद दे दी है और थोड़ी थोड़ी चाय की पत्ती भी डाल दी है फ्रेंड्स। तो आप अभी ये अपराजिता के प्लांट पर ये काम जरूर कर लें, जिससे इस पर बहुत ही अच्छे से फ्लावर आएंगे और ये जो अपराजिता का प्लांट है बहुत ही बढ़िया हरा भरा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्लावर आएंगे, इसलिए फ्रेंड्स ये काम जरूर कर लें अपराजिता के प्लांट पर। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें खाद डाल दी है, आप थोड़ी थोड़ी सी कर देंगे इसकी गुड़ाई, थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंड्स करेंगे, जिससे हम इसकी रूट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। इस तरह से एक एक दो दो इंच हम इसमें गुड़ाई साइड साइड से कर देंगे। और फ्रेंड्स अभी आप अपराजिता के प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं, बीज अगर आपके पास हैं तो बीज से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो अभी अपराजिता के प्लांट को आप बीज से ग्रो कर लीजिए और ये काम जो मैंने बताया है वो जरूर आप कीजिएगा, जिससे आपके प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना। थैंक यू।